रूट्स प्रीमियर लीग एक बेसिकली एक एमेच्योर लीग है जो कई सारे ऐसे लोगों को मौका दे रहा है कि वो अपनी वो चाइल्डहुड फैंटेसी जी पाएँ वापस, कि फुटबॉल खेलें प्रोफेशनल अंदाज में. और बहुत बेहतरीन है जिस तरीके से इतने सारे लोग आते हैं हर एक ट्यूसडे को, साथ में खेलते हैं. पर्सनली वेरी हैप्पी क्योंकि मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था और मुझे कई सालों बाद मौका मिला है वापस फुटबॉल ग्राउंड में उतरने का. और बहुत प्राउड टीम ओनर हूँ, मेरी टीम का नाम गुड फेलर्स है. सो वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग इन द लीग. 11वां हफ्ता है, टीम सबसे ऊपर है और अच्छा खेल रहे हैं, तो इट्स फील्स गुड. मेरे ख्याल से अब अहमियत शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है कि अहमियत कम है. मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ द प्राइम स्पोर्ट इस देश के अंदर, मैंने उसे 11 साल कवर किया है, तो आई अंडरस्टैंड कि क्रिकेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बस गया है. पर अगर आप ISL देखें, अगर आप जो आई लीग हैं, दूसरी टीम्स को देखें, टूर्नामेंट्स को देखें, तो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी, एक फ़ुटबॉल के प्रति, हॉकी के प्रति, कबड्डी के प्रति काफ़ी एक ऐसी मूवमेंट, एक्साइटमेंट हुई है कि लोग चाहते हैं कि वो दूसरे स्पोर्ट को देखें भी, खुद खेले भी. मेरा 3 साल का बच्चा है, वो क्रिकेट देखता है पर उसको खेलना है तो वो फुटबॉल खेलना चाहता है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर पीपल वांट टू स्टार्ट ऑफ विद प्लेइंग फुटबॉल नाउ, एंड आई थिंक टाइम लगता है चीज़ें डेवलप होने में. अभी फ़िलहाल एक आप शहरों में देखें तो ऐसी लीग्स जो हैं उससे फुटबॉल को मोटिवेट प्रमोट करेंगी, बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो आके खेलें. तो हमारी टीम में भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पायलट्स हैं, मैं एक्टर हूँ, तो सब साथ में मिलके खेलते हैं. जब ग्राउंड में आते हैं सिर्फ गेम की बात होती है और कोई बात नहीं होती. मैं बास्केटबॉल खेल चुका हूँ, अपने स्कूल का कैप्टन था मैं. फुटबॉल मेरा पैशन था बचपन से लेकर अब तक, बहुत खेला हूँ फुटबॉल. बाकी सब गेम्स खेलता हूँ, स्क्वाश हुआ, टेनिस हुआ, गोल्फ को छोड़ के गोल्फ नहीं खेलता, बाकी सब गेम्स खेलता हूँ मैं. स्पोर्टिंग ग्राउंड में हम मुझसे पेट्रोल की सवाल पूछ रहे हो यार. ऑफ कोर्स ये एक मुसीबत है, एक समस्या है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा कि प्राइसेस इतने बड़े नहीं होने चाहिए. आई थिंक कि बहुत महंगा हो गया आम इंसान के लिए, यू नो, पेट्रोल परचेस करना, डीजल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं. तो गवर्नमेंट को कुछ सोल्यूशन लेना चाहिए ताकि ये सब ना हो, ताकि हम अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा रखें और हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी रहे. थैंक यू. हाँ, आपको जैसे पूछना है आप पूछ. यस, हाँ जी. वेल, ये जो रूट्स है पहले सीजन के, हाय, हाउ्स इट गोइंग? गुड गुड गुड. सॉरी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि विमेंस के लिए बैंड्रा में और एक्चुअली मुंबई में इतना स्पोर्ट में कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है. मैं तो बैंड्रा के लिए खेलती हूँ, रूट्स बैंड्रा, और एक्चुअली मेरा इंजरी के पहले, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. हाँ जी, हाँ, क्रिकेट है. हाँ, वेल, अभी तो फुटबॉल भी चालू है और विश्वास है कि कम से कम 1 साल के बाद फुटबॉल में इतना ग्रोथ होता है कि यू नो इट्स लाइक ए क्रिकेट. सो हमको विश्वास है कि जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल भी इतना इंडिया में पॉपुलर हो जाएंगे. हाँ जी, हाँ जी. रूट्स लीग में फेवरेट रणवीर सिंह. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, मुझे पता नहीं था, सॉरी. वेल, आई डोंट नो, मुझे कुछ कमेंट उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इट्स टफ. या आई डोंट नो हाउ पीपल हु आर अर्निंग 20,000 और 10,000 में सैलरी है लोग का, कैसे एक्चुअली मैनेज कर रही है. इट्स क्वाइट टफ. या फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ. फुटबॉल, टेबल टेनिस और शायद बास्केटबॉल. जब मैं एक्चुअली 9 साल की थी, मैं अपनी स्कूल के लिए खेलती थी,
और जब तीनों चार साल मैंने खेल लिया और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था वो स्टेट के लिए. तो लेकिन मेरा जो डैडी है वो काफ़ी कंजर्वेटिव था, तो इसलिए वो ये नहीं था, परमिशन नहीं दिया मुझे खेलना. तो या आई विश आई वुड हैव प्लेड एंड आई विश आई डोंट नो मे बी वन डे आई वुड हैव बीन अ रियली गुड प्लेयर एंड अ बिग प्लेयर. या दैट्स माय ओनली. थैंक यू. Yeah. Sorry.